हाय दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया वीडियो जो कि YouTube चैनल मेरा जीके ओल्ड एंड न्यू है, जो कि न्यू जीके एंड ओल्ड जीके प्रोवाइड करते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब है आपका ऑप्शन है ए मुंबई को, बी दिल्ली को, सी पटना को, डी भोपाल को। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी दिल्ली को। सवाल नंबर दो, कुत्तों के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए बिल्ली को, बी बंदर को, सी मधुमक्खी को, डी चूहा को। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी मधुमक्खी को। सवाल नंबर तीन, किस चिड़िया का आवाज सबसे मधुर होता है? आपका ऑप्शन है ए कोयल, बी तोता, सी मोर, डी बुलबुल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी बुलबुल। सवाल नंबर चार, सबसे ज्यादा सोने की खपत किस देश में होती है? आपका ऑप्शन है ए इंग्लैंड में, बी अमेरिका में, सी भारत में, डी चीन में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी भारत में। सवाल नंबर पांच, विवो किस देश की कंपनी है? आपका ऑप्शन है ए चीन देश की, बी भारत देश की, सी अमेरिका देश की, डी रूस देश की। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए चीन देश की। सवाल नंबर छह, भारत की कुल जनसंख्या कितना है? आपका ऑप्शन है ए 120 करोड़, बी 125 करोड़, सी 139 करोड़, डी 160 करोड़। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 139 करोड़। सवाल नंबर सात, चंद्रमा पर पानी की खोज किस देश ने की थी? आपका ऑप्शन है ए भारत देश ने, बी नेपाल देश ने, सी चीन देश ने, डी ओमान देश ने। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए भारत देश ने। सवाल नंबर आठ, रीढ़ की हड्डियों में कितनी हड्डी होती है? आपका ऑप्शन है ए 20 हड्डी, बी 25 हड्डी, सी 28 हड्डी, डी 33 हड्डी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 33 हड्डी। सवाल नंबर नौ, मोर का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? आपका ऑप्शन है ए 10 वर्ष का, बी 15 वर्ष का, सी 20 वर्ष का, डी 50 वर्ष का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 20 वर्ष का। सवाल नंबर दस, किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है? आपका ऑप्शन है ए केला, बी आम, सी अनार, डी पपीता। साथियों, आप लोग इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट में बताइए। सवाल नंबर 11, यूरोप महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? आपका ऑप्शन है ए 40 देश, बी 44 देश, सी 50 देश, डी 56 देश। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 44 देश। सवाल नंबर 12, अमेरिका देश में कुल कितने राज्य हैं? आपका ऑप्शन है ए 30 राज्य, बी 38 राज्य, सी 50 राज्य, डी 65 राज्य। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 50 राज्य। सवाल नंबर 13,
रोटी किस गैस के कारण फूलती है? आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोजन गैस के कारण, बी हीलियम गैस के कारण, सी नाइट्रोजन गैस के कारण, डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। सवाल नंबर 14, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? आपका ऑप्शन है ए असम राज्य की, बी मेघालय राज्य की, सी झारखंड राज्य की, डी गोवा राज्य की। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी झारखंड राज्य की। सवाल नंबर 15, कागज बनाने के लिए किस पेड़ का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए पीपल का पेड़, बी बांस का पेड़, सी शीशम का पेड़, डी अशोक का पेड़। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी बांस का पेड़। सवाल नंबर 16, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? आपका ऑप्शन है ए करेला की सब्जी, बी आलू की सब्जी, सी गोभी की सब्जी, डी लौकी की सब्जी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए करेला की सब्जी। सवाल नंबर 17, किस जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है? आपका ऑप्शन है ए बंदर की हड्डी, बी बिल्ली की हड्डी, सी कुत्ते की हड्डी, डी बाघ की हड्डी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी बाघ की हड्डी। सवाल नंबर 18, गाय के कितने दांत होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 30 दांत, बी 32 दांत, सी 34 दांत, डी 36 दांत। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 32 दांत। सवाल नंबर 19, किस सागर में एक भी मछली नहीं पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए हिंद महासागर में, बी दक्षिण सागर में, सी प्रशांत महासागर में, डी मृत सागर में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी मृत सागर में। सवाल नंबर 20, स्कूल बसों का रंग पीला क्यों होता है? उत्तर, पीला रंग स्पष्ट रूप से नजर आता है, दुर्घटना की संभावना कम रहती है। सवाल नंबर 21, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए बिहार में, बी कोलकाता में, सी चेन्नई में, डी दिल्ली में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए बिहार में। सवाल नंबर 22, गुलाबी शहर जयपुर की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1720 ईस्वी में, बी 1727 ईस्वी में, सी 1730 ईस्वी में, डी 1735 ईस्वी में। मोजा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1727 ईस्वी में।
हम बात करने वाले हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं। तो साथियों, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अपने भरोसेमंद चैनल को और बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए मंगलवार, बी पृथ्वी, सी शनि, डी शुक्रवार। आपका सही जवाब होगा बी पृथ्वी। आपका दूसरा सवाल है, पुस्तक का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, सी जापान, डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा ए चीन। आपका तीसरा सवाल है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है ए जामुन का, बी नीम का, सी पीपल का, डी बरगद का। आपका सही जवाब होगा सी पीपल का। आपका चौथा सवाल है, शांति का प्रतीक किस पक्षी को माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए तोता को, बी हंस को, सी मोर को, डी कबूतर को। आपका सही जवाब होगा डी कबूतर को। आपका पांचवा सवाल है, किस धातु का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहली बार किया था? आपका ऑप्शन है ए तांबा, बी लोहा, सी कांसा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए तांबा। रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 6, वह कौन जहां मछलियों की बारिश होती है? आपके ऑप्शन है ए फिनलैंड देश, बी न्यूजीलैंड देश में, सी इथियोपिया देश में, डी हिंदुरस देश में। आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी हिंदुरस देश में। आपका सवाल नंबर है 2, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस जानवर के दूध में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए गाय के दूध में, बी भेड़ के दूध में, सी बकरी के दूध में, डी ऊंटनी के दूध में। आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी भेड़ के दूध में। आपका सवाल नंबर है 3, सांप के जहर का रंग कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है ए लाल रंग, बी नीला रंग, सी काला रंग, डी पीला रंग। आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी पीला रंग। आपका सवाल नंबर है 4, चांद पर पहला उगाया जाने वाला पौधा कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए नीम का, बी कपास का, सी केला का, डी बेल का। आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी कपास का। आपका सवाल नंबर है 5, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी आंखें नहीं होती है? आपके ऑप्शन है ए सांप के, बी केंचुआ के, सी मक्की के, डी मकड़ी के।
आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी केचुआ के। आपका सवाल नंबर है 6। दुनिया का वो कौन सा जीव है जो आंखें बंद करके भी देख सकता है? आपके ऑप्शन है ए सांप, बी चूहा, सी मक्खी, डी ऊंट। आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी ऊंट। आपका सवाल नंबर है 7। वह कौन सा देश है जहां 5 सूर्य दिखाई देते हैं? आपके ऑप्शन है ए चीन देश में, बी भारत देश में, सी इजराइल देश में, डी इथियोपिया देश में। आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए चीन देश में। आपका सवाल नंबर है 8। विश्व की सबसे लंबी बस किस देश में चलती है? आपके ऑप्शन है ए चीन देश में, बी भारत देश में, सी इंग्लैंड देश में, डी अमेरिका देश में। आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी अमेरिका देश। आपका सवाल नंबर है 9। विश्व में सबसे पहले ट्रेन किस देश में चली थी? आपके ऑप्शन है ए रूस देश में, बी भारत देश में, सी इंग्लैंड देश में, डी अमेरिका देश में। आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इंग्लैंड देश में। आपका सवाल नंबर है 10। दुनिया का सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए कबूतर पक्षी, बी शुतुरमुर्ग पक्षी, सी हमिंगबर्ड पक्षी, डी तोता पक्षी। आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी हमिंगबर्ड पक्षी। आपका सवाल नंबर है 11। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके कितनी हड्डियां होती हैं? आपके ऑप्शन है ए 300 हड्डियां, बी 298 हड्डियां, सी 208 हड्डियां, डी 100 हड्डियां। आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए 300 हड्डियां। आपका सवाल नंबर है 12। ऐसा कौन सा देश है जहां जींस पर आना मना है? आपके ऑप्शन है ए कतर देश में, बी उत्तर कोरिया में, सी चीन देश में, डी फिनलैंड देश में। आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर कोरिया में। आपका सवाल नंबर है 13। चांद पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश में किया था? आपके ऑप्शन है ए कतर देश ने, बी भारत देश ने, सी चीन देश ने, डी अमेरिका देश ने। आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी भारत देश ने। आपका सवाल नंबर है 14। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए मुंबई शहर में, बी कानपुर शहर में, सी लखनऊ शहर में, डी दिल्ली शहर में। आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी लखनऊ शहर में। आपका सवाल नंबर है 15। दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आता है? आपके ऑप्शन है ए जापान देश में, बी भारत देश में, सी अमेरिका देश में, डी रूस देश में। आपका सही जवाब हो जाएगा।
ऑप्शन ए जापान देश में। आपका सवाल नंबर है 16। एक औरत अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे सकती है? आपके ऑप्शन है ए 40 बच्चों को, बी 20 बच्चों को, सी 15 बच्चों को, डी 10 बच्चों को। आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए 40 बच्चों को। आपका सवाल नंबर है 17। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? आपके ऑप्शन है ए कान की हड्डी, बी जांघ की हड्डी, सी गले की हड्डी, डी हाथ की हड्डी। आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए कान की हड्डी। आपका सवाल नंबर है 18। भारत के किस राज्य के लोग सांप के तेल से सब्जी बनाते हैं? आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश के लोग, बी केरल राज्य के लोग, सी अरुणाचल प्रदेश के लोग, डी सिक्किम राज्य के लोग। आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका ऑप्शन है ए जापान देश में, बी भारत देश में, सी सिंगापुर देश में, डी श्रीलंका देश में। आपका सही ऑप्शन होगा बी भारत देश में। आपका दूसरा सवाल है, चूहों का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए बिहार राज्य में, बी असम राज्य में, सी राजस्थान राज्य में, डी महाराष्ट्र राज्य में। आपका सही ऑप्शन होगा सी राजस्थान राज्य में। आपका तीसरा सवाल है, ऐसा कौन सा जीव है जो 3 साल तक सोता है? आपका ऑप्शन है ए मछली, बी भालू, सी समुद्री घोंघा, डी मेंढक। आपका सही ऑप्शन होगा सी समुद्री घोंघा। आपका चौथा सवाल है, किस जानवर का दूध पीने से इंसान मर सकता है? आपका ऑप्शन है ए गाय का दूध, बी बकरी का दूध, सी शेरनी का दूध, डी लोमड़ी का दूध। आपका सही ऑप्शन होगा सी शेरनी का दूध। आपका पांचवा सवाल है, सबसे ज्यादा काला नमक किस देश में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए नेपाल देश में, बी भारत देश में, सी श्रीलंका देश में, डी भूटान देश में। आपका सही ऑप्शन होगा बी भारत देश में। आपका छठवां सवाल है, महाभारत के रचयिता कौन थे? आपका ऑप्शन है ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी वेदव्यास, डी वाल्मीकि। आपका सही ऑप्शन होगा सी वेदव्यास। आपका सातवां सवाल है, किस जीव की 5 आंखें होती है? आपका ऑप्शन है ए मधुमक्खी की, बी कंगारू की, सी केकड़े की, डी मच्छर की। आपका सही ऑप्शन होगा ए मधुमक्खी की। रोजाना ऐसे ही सामान्य ज्ञान की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। आपका आठवां सवाल है, कौन सा जीव बच्चे को जन्म देते ही मर जाता है? आपका ऑप्शन है ए बिच्छू, बी कंगारू, सी जिराफ, डी भालू। आपका सही ऑप्शन होगा ए बिच्छू। आपका अगला सवाल है 9। किस जीव की आंखें नहीं होती हैं? आपका ऑप्शन है ए बंदर की,
बी चींटी की, सी मछली की, डी केंचुआ की। आपका सही ऑप्शन होगा डी केंचुआ की। आपका अगला सवाल है 10। किस जानवर का दूध पीने से दिमाग तेज होता है? आपका ऑप्शन है ए भैंस का दूध, बी गाय का दूध, सी ऊंट का दूध, डी बकरी का दूध। आपका सही ऑप्शन होगा बी गाय का दूध। आपका अगला सवाल है 11। गरीबों की बकरी किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए जिराफ को, बी गाय को, सी घोड़ा को, डी कंगारू को। आपका सही ऑप्शन होगा बी गाय को। आपका अगला सवाल है 12। दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? आपका ऑप्शन है ए सतलुज नदी, बी यमुना नदी, सी गंगा नदी, डी व्यास नदी। आपका सही ऑप्शन होगा बी यमुना नदी। आपका अगला सवाल है 13। राजा दशरथ किसका अवतार थे? आपका ऑप्शन है ए शिव, बी यमराज, सी इंद्र, डी स्वयंभू मनु। आपका सही ऑप्शन होगा डी स्वयंभू मनु। आपका अगला सवाल है 14। उस बहलिए का क्या नाम था जिसके हाथों भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी? आपका ऑप्शन है ए जरा, बी निषिद्ध, सी सुशीलन, डी हिरण्यधनु। आपका सही ऑप्शन होगा ए जरा। आपका अगला सवाल है 15। गरीबों की लकड़ी किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पीपल, बी बरगद, सी आम, डी बांस। आपका सही ऑप्शन होगा डी बांस। आपका अगला सवाल है 16। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आपका ऑप्शन है ए आम, बी नीम, सी बरगद, डी अमरूद। दोस्तों अब यह सवाल आपके लिए, इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट करके बताना। देखते हैं कितने लोग इसका सही। किस जानवर के शरीर में सबसे ज्यादा खून होता है? आपके ऑप्शन है ए बैल की, बी हाथी के, सी घोड़ा के, डी जिराफ के। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हाथी के। आपका सवाल नंबर है 2। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? आपके ऑप्शन है ए 10 भाषाएं, बी 25 भाषाएं, सी 20 भाषाएं, डी 30 भाषाएं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 20 भाषाएं हैं। आपका सवाल नंबर है 3। चंदन के पेड़ों पर साथ में लिपटे होते हैं? आपके ऑप्शन है ए ठंडा होने के कारण, बी गर्म होने के कारण, सी खुशबू के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ठंडे होने के कारण। आपका सवाल नंबर है 4। शिक्षा में के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी नागालैंड, सी केरला राज्य, डी अरुणाचल प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी केरल राज्य। आपका सवाल नंबर है 5। सबसे पहले परीक्षा की शुरुआत करने वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए भारत देश,
बी चीन देश, सी अमेरिका देश, डी रूस देश। आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी चीन देश। आपका सवाल नंबर है 6। प्लास्टिक की मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए भारत देश, बी अमेरिका देश, सी ऑस्ट्रेलिया देश, डी रूस देश। आपका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया देश। आपका सवाल नंबर है 7। किस देश की लड़की से शादी करने पर सरकारी नौकरी मिलती है? आपके ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड देश, बी अमेरिका देश, सी ऑस्ट्रेलिया देश, डी आइसलैंड देश। आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आइसलैंड देश की। आपका सवाल नंबर है 8। खाना खाने के बाद क्या खाने से इंसान मर सकता है? आपके ऑप्शन है ए चाय पीने से, बी आम खाने से, सी दूध पीने से, डी पपीता खाने से। आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए चाय पीने से। आपका सवाल नंबर है 9। भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु को, बी उत्तर प्रदेश को, सी आंध्र प्रदेश को, डी मध्य प्रदेश को। आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश को। आपका सवाल नंबर है 10। रेशम के कीट किस पेड़ पर पाले जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए शहतूत के पेड़, बी अमरूद के पेड़, सी आम के पेड़, डी केला के पेड़। आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए शहतूत के पेड़ पर। आपका सवाल नंबर है 11। कोयल पक्षी किस राज्य की राजकीय पक्षी है? आपके ऑप्शन है ए केरल राज्य की, बी पंजाब राज्य की, सी तमिलनाडु राज्य की, डी झारखंड राज्य की। आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी झारखंड राज्य की। आपका सवाल नंबर है 12। ऐसा कौन सा जीव है जिसका सिर काट जाने पर वह हफ्तों तक जिंदा रहता है? आपके ऑप्शन है ए कॉकरोच, बी चींटी, सी छिपकली, डी केचुआ। आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए कॉकरोच जीव। आपका सवाल नंबर है 13। मनुष्य बिना सोए कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? आपके ऑप्शन है ए 11 दिनों तक, बी 1 महीने तक, सी 10 दिन तक, डी 2 दिन तक। आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए 11 दिनों तक। आपका सवाल नंबर है 14। ऐसा कौन सा पक्षी है जो बाघ की तरह आवाज निकालती है? आपके ऑप्शन है ए पेंगुइन पक्षी, बी विटर्न पक्षी, सी हमिंगबर्ड पक्षी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी विटर्न पक्षी। आपका सवाल नंबर है 15। पूरी दुनिया में 1 मिनट में कितने लोग मरते हैं?
आपके ऑप्शन है ए 50 लोग, बी 200 लोग, सी 120 लोग, डी 10 लोग। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चिंपांजी बंदर को। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो रोजाना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका आंसर है डी, अशोक स्तंभ की। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी कभी पेड़ पर नहीं बैठता है? ए तोता, बी मोर, सी टिटोनी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, टिटोनी। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी नदी नहीं है? ए चीन, बी भारत, सी सऊदी अरब, डी अमेरिका। इसका आंसर है सी, सऊदी अरब। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे अमीर लोग रहते हैं? ए लंदन में, बी भारत में, सी पाकिस्तान में, डी चीन में। इसका आंसर है ए, लंदन में। आपका अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पे हम चढ़ नहीं सकते हैं? ए केले का पेड़, बी आम का पेड़, सी नीम का पेड़, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, केले का पेड़। आपका अगला प्रश्न है, किस सब्जी को खाने से दांत साफ होते हैं? ए करेला की सब्जी, बी आलू की सब्जी, सी सोयाबीन की सब्जी, डी पपीता की सब्जी। इसका आंसर है डी, पपीता की सब्जी। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी चीज गर्म करने पर जम जाती है? ए साबुन, बी अंडा, सी दूध, डी सोना। इसका आंसर है बी, अंडा। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? ए कस्तूरबा गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी लालमुनी, डी शीला दीक्षित। इसका आंसर है ए, कस्तूरबा गांधी। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा फूल 12 साल में एक बार खिलता है? ए गेंदा का, बी गुलाब का, सी चमेली का, डी नीलकुरिंजी। इसका आंसर है डी, नीलकुरिंजी। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? ए हाथ में, बी कान में, सी नाक में, डी मुंह में। इसका आंसर है बी, कान में। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर है? ए केरल, बी असम, सी तमिलनाडु, डी वाराणसी। इसका आंसर है सी, तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 25 वर्ष। इसका आंसर है डी 25 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है,
भारत के किस राज्य में लोग सांप के तेल से सब्जी बनाते हैं? ए केरल, बी सिक्किम, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। इसका आंसर है बी सिक्किम। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी कभी घोंसला नहीं बनाता है? ए उल्लू, बी तोता, सी कोयल, डी कबूतर। इसका आंसर है सी कोयल। आपका अगला प्रश्न है, पाकिस्तान देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ए मोर, बी हंस, सी तोता, डी चकोर। कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है ए आम का, बी पीपल का, सी केले का, डी नीम का। आपका सही जवाब होगा पीपल का। आपका अगला सवाल दो, भारत में किस जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए बंदर को, बी शेर को, सी कुत्तों को, डी हाथी को। आपका सही जवाब होगा शेर को। आपका अगला सवाल तीन, भारत के किस प्रधानमंत्री ने शादी नहीं की थी? आपके ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी ने, बी मनमोहन सिंह ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने, डी अटल बिहारी वाजपेयी। आपका सही जवाब होगा डी अटल बिहारी वाजपेयी। आपका अगला सवाल चार, दरभंगा महल किस देश में है? आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा डी उत्तर प्रदेश। आपका अगला सवाल पांच, फ्रिज का पानी ठंडा किस गैस के कारण होता है? आपके ऑप्शन है ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी अमोनिया, डी ऑक्सीजन। आपका सही जवाब होगा सी अमोनिया। आपका अगला सवाल छह, मनुष्य बिना सोए कितने दिन तक जीवित रह सकता है? आपके ऑप्शन है ए 6 दिन तक, बी 8 दिनों तक, सी 12 दिनों तक, डी 15 दिनों तक। आपका सही जवाब होगा सी 12 दिनों तक। आपका अगला सवाल सात, किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए भैंस के, बी गाय के, सी भेड़ के, डी बकरी के। आपका सही जवाब होगा सी भेड़ के। आपका अगला सवाल आठ, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी हैदराबाद, सी मुंबई, डी दिल्ली। आपका सही जवाब होगा डी दिल्ली। आपका अगला सवाल नौ, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए मगरमच्छ, बी मेंढक, सी डॉल्फिन, डी कोई नहीं।
आपका सही जवाब होगा सी डॉल्फिन। आपका अगला सवाल 10। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपके ऑप्शन हैं ए कल्पना चावला, बी सुनीता विलियम, सी शिरीषा बांद्राला, डी इंदिरा गांधी। आपका सही जवाब होगा ए कल्पना चावला। आपका अगला सवाल 11। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी सुभाष चंद्र बोस। आपका सही जवाब होगा ए भगत सिंह। आपका अगला सवाल 12। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी आर्कटिक महासागर। आपका सही जवाब होगा ए प्रशांत महासागर। आपका अगला सवाल 13। विश्व में सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा सी चीन। आपका अगला सवाल 14। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जंगल है? आपके ऑप्शन हैं ए गुजरात, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब होगा डी मध्य प्रदेश। आपका अगला सवाल 15। किसका दूध पीने से दिमाग तेज होता है? आपके ऑप्शन हैं ए भैंस का, बी गाय का, सी भेड़ का, डी बकरी का। आपका सही जवाब होगा वह कौन सा पक्षी है जो कभी अपना पैर जमीन पर नहीं रखता? आपका ऑप्शन है एक हमिंगबर्ड, दो बाज, तीन कोयल, चार हरियल पक्षी। सही जवाब है ऑप्शन 4 हरियल पक्षी। हरियल पक्षी जो एक तरह का कबूतर है, जमीन पर कभी पैर नहीं रखता है। आप उसे इस चित्र में देख सकते हैं। सवाल नंबर 2 है सांपो का देश किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है एक भारत, दो अफ्रीका, तीन ब्राजील, चार श्रीलंका। सही जवाब है ऑप्शन 3 ब्राजील। स्नेक आइलैंड एक टापू जहां किसी इंसान का जाना मना है। इस टापू पर हर स्क्वायर फुट पर एक जहरीला सांप मिलता है। ब्राजील देश के तट से करीब 25 मील दूर एक सुनसान टापू है जिसका नाम इला दा कुइमा दा ग्रांडे है। स्थानीय भाषा में लोग इसको सांपों का टापू या भी कहते हैं। विश्व भर में यह स्नेक आइलैंड नाम से प्रसिद्ध है। एक प्रचलित कहानी के अनुसार आखिरी बार किसी मछुआरे ने इस टापू में जाने की हिम्मत की थी तो कुछ दिनों बाद उसकी लाश खून से सनी हुए उसकी नाव में लोगों को मिली। इस जगह का खौफ इतना है कि कोई इसके पास आना नहीं चाहता। यहाँ गोल्डन लान सहित स्नेक का वास है जो बहुत जहरीले पिटवाई पर सांप की एक प्रजाति है। इस वजह से ब्राजील की सरकार ने इस टापू पर किसी के जाने को प्रतिबंधित कर दिया है। सवाल नंबर 3 है किस देश में कभी भूकंप नहीं आता है? आपका ऑप्शन है एक ऑस्ट्रेलिया में, दो नॉर्वे में, तीन जापान में, चार यमन में। सही जवाब है ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया में। सवाल नंबर 4 है चांद पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी? आपका ऑप्शन है एक चीन, दो
अमेरिका 3, रूस 4, भारत। सही जवाब है ऑप्शन 4, भारत। चंद्रमा पर पानी की खोज किसी और ने नहीं बल्कि भारत द्वारा चंद्रयान 1 के साथ भेजे गए भारत के मून इंपैक्ट प्रोब ने चांद की धरती पर उतर कर पानी का पता लगाया। चंद्रयान भारत का चांद पर खोज करने का पहला मिशन था। इस मिशन को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया था। इस मिशन में कुल 386 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये भारत द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, जिससे पता चला कि चांद पर पानी है लेकिन जमा हुआ है और चंद्रमा की सतह में मिली हुआ है। सवाल नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपका ऑप्शन है 1 लखनऊ, 2 आगरा, 3 लखीमपुर खीरी, 4 प्रयागराज। सही जवाब है ऑप्शन 3 लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। यह जिला 7,680 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रयागराज जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है? इसकी जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार 59,54,000 है। यह जिला उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत में भी प्रसिद्ध जिला है। सवाल नंबर 6 है, फूलों का राजा किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है 1 कमल को, 2 गुलाब को, 3 चमेली को, 4 सूरजमुखी को। सही जवाब है ऑप्शन 2 गुलाब को। सवाल नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है 1 बेंगलुरु, 2 गुरुग्राम, 3 चेन्नई, 4 नई दिल्ली। सही जवाब है ऑप्शन 2 गुरुग्राम। सवाल नंबर 8 है, हवा की गति किससे मापी जाती है? आपका ऑप्शन है 1 एनेमोमीटर, 2 टैकोमीटर, 3 बैरोमीटर, 4 भूकंप मान। सही जवाब है ऑप्शन 1 एनेमोमीटर। सवाल नंबर 9 है, किस पेड़ के नीचे सोने से आदमी मर जाता है? आपका ऑप्शन है 1 नीम, 2 पीपल, 3 बरगद, 4 जामुन। सही जवाब है ऑप्शन 1 नीम। ये सुनकर अजीब तो लगेगा लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सच ही है। वैसे तो ये पेड़ एक आयुर्वेद वृक्ष माना जाता है लेकिन अगर रात में इस पेड़ के नीचे आप भी सो गए तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। दरअसल ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि रात के समय नीम का पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है जो इंसान के लिए बहुत ही हानिकारक गैस मानी जाती है। इसलिए लगातार कार्बन डाइऑक्साइड हवाओं में घुलने से आपका दम घुट सकता है और आखिर में ये आपकी मौत का कारण भी बन सकती है। इसलिए अगर आप नीम के पेड़ के नीचे सोते हैं तो छोड़ दीजिए। वैसे नीम के पेड़ में बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। सवाल नंबर 10 है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 1 19 अगस्त, 2 29 अगस्त, 3 19 मार्च, 4 29 मार्च। सही जवाब है ऑप्शन 2 29 अगस्त। 29 अगस्त को मनाने का कारण यह है कि इस दिन भारत के दिग्गज हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद कुशवाहा का जन्म हुआ था। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के रूप में इसे आयोजित किया जाता है। सवाल नंबर 11 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आपका ऑप्शन है 1 जाकिर हुसैन, 2 गोपाल स्वरूप पाठक, 3 शंकर दयाल शर्मा, 4 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सही जवाब है ऑप्शन 4 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सवाल नंबर 12 है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? आपका ऑप्शन है 1 केरल, 2 गुजरात, 3 राजस्थान, 4 उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन 1 केरल। सवाल नंबर 13 है, तवा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है 1 ग्रिडल, 2 सीव, 3 कुबेर, 4 फनल। सही जवाब है
ऑप्शन एक ग्रिडल। सवाल नंबर 14 है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? आपका ऑप्शन है एक मोर, दो बाज, तीन शुतुरमुर्ग, चार फाल्कन। सही जवाब है ऑप्शन तीन शुतुरमुर्ग। सवाल नंबर 15 है, किस जानवर के दूध से बना पनीर सबसे महंगा होता है? आपका ऑप्शन है एक शेरनी, दो मादा हाथी, तीन बकरी, चार गधी। सही जवाब है ऑप्शन चार गधी। आज हम आपको उस महंगे पनीर के बारे में बताते हैं जिसे पिनूल चीज के नाम से जाना जाता है। पिनूल चीज के एक किलोग्राम की कीमत एक आम आदमी के 2 से 3 महीने की सैलरी से भी अधिक है। इस पनीर को गधी के दूध से बनाया जाता है। हालांकि ये सामान्य गधी नहीं बल्कि सर्बिया में पाई जाने वाली खास प्रजाति की गधी बालकन के दूध से इस पनीर को बनाया जाता है। इस खास किस्म के पनीर पिनूल चीज का उत्पादन हर देश में नहीं किया जाता है। इसका उत्पादन केवल सर्बिया के जसाविका स्पेशल नेचर रिजर्व में किया जाता है। इसे बनाने के लिए करीब 60% बालकन गधी का दूध और 40% बकरी का दूध इस्तेमाल किया जाता है और फिर इसे प्रोसेस करके तैयार किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 किलोग्राम पिनूल चीज बनाने के लिए बालकन गधी के करीब 25 लीटर ताजे दूध की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर इन्हें संरक्षित किया जाए तो गधी के दूध को 25 से 30 हजार रुपए प्रति लीटर की कीमत में बेचा जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल सौंदर्य प्रसादनों को बनाने में भी होता है, इसलिए इस पनीर की कीमत इतनी ज्यादा होती है। कहा जाता है कि इसमें माँ के दूध जैसे गुण होते हैं, साथ ही अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत उपयोगी है। सवाल नंबर 16 है, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? आपका ऑप्शन है एक चीता, दो शेर, तीन हिरण, चार बाघ। सही जवाब कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए मिट्टी, बी जाल, सी ऑक्सीजन, डी पेड़। आपका सही आंसर है सी ऑक्सीजन। आपका दूसरा सवाल है, महात्मा गांधी जी का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। आपका सही आंसर है सी गुजरात। आपका तीसरा सवाल है, किस जानवर का दूध सबसे महंगा बिकता है? आपका ऑप्शन है ए हाथी की, बी शेरनी की, सी चूहा की, डी ऊंट की। आपका सही आंसर है बी शेरनी की। आपका चौथा सवाल है, विश्व में सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने वाला देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी साउथ कोरिया। आपका सही आंसर है बी चीन। आपका पांचवा सवाल है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना रंग बदलती है? आपका ऑप्शन है ए बुलबुल, बी कमोलिया, सी मोर, डी कोयल। आपका सही आंसर है बी कमोलिया। आपका छठा सवाल है, मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी बिहार, डी हरियाणा। आपका सही आंसर है बी गुजरात। आपका सातवां सवाल है, दुनिया के सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए नीम का, बी पीपल का, सी जामुन का, डी आम का।
आपका सही आंसर है बी पीपल का। आपका आठवां सवाल है, कौन सा जानवर लोहे के कील को भी खा जाता है? आपका ऑप्शन है ए चीता, बी हाथी, सी मगरमच्छ, डी घोड़ा। आपका सही आंसर है सी मगरमच्छ। आपका नौवीं सवाल है, लाल किला के निर्माण किसने करवाया था? आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी शाहजहां, सी बाबर, डी इब्राहिम। आपका सही आंसर है बी शाहजहां। आपका दसवां सवाल है, कौन सा जानवर है जो घायल होने पर बच्चों की तरह रोता है? आपका ऑप्शन है ए जिराफ, बी भालू, सी खरगोश, डी कुत्ता। आपका सही आंसर है बी भालू। आपका ग्यारहवीं सवाल है, फलों का राजा किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए जामुन को, बी आम को, सी अंगूर को, डी सेब को। आपका सही आंसर है बी आम को। आपका बारहवीं सवाल है, भारत का खोज किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए कोलंबस, बी वास्को डी गामा, सी न्यूटन, डी नरेंद्र मोदी। आपका सही आंसर है बी वास्को डी गामा। आपका तेरहवीं सवाल है, भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए भारतीय स्टेट बैंक, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी पंजाब बैंक, डी महाराष्ट्र बैंक। आपका सही आंसर है बी भारतीय रिजर्व बैंक। आपका चौदहवीं सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जंगल है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। आपका सही आंसर है बी मध्य प्रदेश। आपका पंद्रहवीं सवाल है, भारत का राष्ट्र नंबर एक है वह कौन सा पक्षी है जो कभी अपना पैर जमीन पर नहीं रखता? आपका ऑप्शन है एक हमिंगबर्ड, दो बाज, तीन कोयल, चार हरियल पक्षी। सही जवाब है ऑप्शन चार हरियल पक्षी। हरियल पक्षी जो एक तरह का कबूतर है, जमीन पर कभी पैर नहीं रखता है। आप उसे इस चित्र में देख सकते हैं। सवाल नंबर दो है, सांपों का देश किसे कहा जाता है? सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए मिट्टी, बी जल, सी ऑक्सीजन, डी पेड़। आपका सही आंसर है सी ऑक्सीजन। आपका दूसरा सवाल है, महात्मा गांधी जी का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। आपका सही आंसर है सी गुजरात। आपका तीसरा सवाल है, किस जानवर का दूध सबसे महंगा बिकता है? आपका ऑप्शन है ए हाथी की, बी शेरनी की, सी चूहा की, डी ऊंट की। आपका सही आंसर है बी शेरनी की। आपका चौथा सवाल है, विश्व में सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने वाला देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी चीन,
सी जापान, डी साउथ कोरिया। आपका सही आंसर है बी चीन। आपका पांचवा सवाल है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना रंग बदलती है? आपका ऑप्शन है ए बुलबुल, बी कमोलिया, सी मोर, डी कोयल। आपका सही आंसर है बी कमोलिया। आपका छठा सवाल है, मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी बिहार, डी हरियाणा। आपका सही आंसर है बी गुजरात। आपका सातवां सवाल है, दुनिया के सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए नीम का, बी पीपल का, सी जामुन का, डी आम का। आपका सही आंसर है बी पीपल का। आपका आठवां सवाल है, कौन सा जानवर लोहे की गिल को भी खा जाता है? आपका ऑप्शन है ए चीता, बी हाथी, सी मगरमच्छ, डी घोड़ा। आपका सही आंसर है सी मगरमच्छ। आपका नौवीं सवाल है, लाल किला के निर्माण किसने करवाया था? आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी शाहजहां, सी बाबर, डी इब्राहिम। आपका सही आंसर है बी शाहजहां। आपका दसवां सवाल है, कौन सा जानवर है जो घायल होने पर बच्चों की तरह रोता है? आपका ऑप्शन है ए जिराफ, बी भालू, सी खरगोश, डी कुत्ता। आपका सही आंसर है बी भालू। आपका ग्यारहवीं सवाल है, फलों का राजा किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए जामुन को, बी आम को, सी अंगूर को, डी सेब को। आपका सही आंसर है बी आम को। आपका बारहवीं सवाल है, भारत का खोज किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए कोलंबस, बी वास्को डी गामा, सी न्यूटन, डी नरेंद्र मोदी। आपका सही आंसर है बी वास्को डी गामा। आपका तेरहवीं सवाल है, भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए भारतीय स्टेट बैंक, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी पंजाब बैंक, डी महाराष्ट्र बैंक। आपका सही आंसर है बी भारतीय रिजर्व बैंक। आपका चौदहवीं सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जंगल है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। आपका सही आंसर है बी मध्य प्रदेश। आपका पंद्रहवीं सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? आपका ऑप्शन है ए गुलाब, बी सूर्यमुखी, सी कोमल, डी चमेली। आपका सही आंसर है सी कमल।
हरियल पक्षी। हरियल पक्षी जो एक तरह का कबूतर है, जमीन पर कभी पैर नहीं रखता है। आप उसे इस चित्र में देख सकते हैं। सवाल नंबर दो है, सांपो का देश किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है एक भारत, दो अफ्रीका, तीन ब्राजील, चार श्रीलंका। सही जवाब है ऑप्शन तीन ब्राजील। स्नेक आइलैंड एक टापू जहां किसी इंसान का जाना मना है। इस टापू पर हर स्क्वायर फुट पर एक जहरीला सांप मिलता है। ब्राजील देश के तट से करीब 25 मील दूर एक सुनसान टापू है जिसका नाम इला दा कुइमा दा ग्रांडे है। स्थानीय भाषा में लोग इसको सांपों का टापू या भी कहते हैं। विश्व भर में यह स्नेक आइलैंड नाम से प्रसिद्ध है। एक प्रचलित कहानी के अनुसार आखिरी बार किसी मछुआरे ने इस टापू में जाने की हिम्मत की थी तो कुछ दिनों बाद उसकी लाश खून से सनी हुए उसकी नाव में लोगों को मिली। इस जगह का खौफ इतना है कि कोई इसके पास आना नहीं चाहता। यहाँ गोल्डन लान सहित स्नेक का वास है जो बहुत जहरीले पिटवाई पर सांप की एक प्रजाति है। इस वजह से ब्राजील की सरकार ने इस टापू पर किसी के जाने को प्रतिबंधित कर दिया है। सवाल नंबर तीन है, किस देश में कभी भूकंप नहीं आता है? आपका ऑप्शन है एक ऑस्ट्रेलिया में, दो नॉर्वे में, तीन जापान में, चार यमन में। सही जवाब है ऑप्शन एक ऑस्ट्रेलिया में। सवाल नंबर चार है, चांद पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी? आपका ऑप्शन है एक चीन, दो अमेरिका, तीन रूस, चार भारत। सही जवाब है ऑप्शन चार भारत। चंद्रमा पर पानी की खोज किसी और ने नहीं बल्कि भारत द्वारा चंद्रयान एक के साथ भेजे गए भारत के मून इंपैक्ट प्रोब ने चांद की धरती पर उतर कर पानी का पता लगाया। चंद्रयान भारत का चांद पर खोज करने का पहला मिशन था। इस मिशन को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया था। इस मिशन में कुल 386 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये भारत द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, जिससे पता चला कि चांद पर पानी है लेकिन जमा हुआ है और चंद्रमा की सतह में मिली हुआ है। सवाल नंबर पांच है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपका ऑप्शन है एक लखनऊ, दो आगरा, तीन लखीमपुर खीरी, चार प्रयागराज। सही जवाब है ऑप्शन तीन लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। यह जिला 7,680 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रयागराज जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है? इसकी जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार 59,54,000 है। यह जिला उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत में भी प्रसिद्ध जिला है। सवाल नंबर छह है, फूलों का राजा किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है एक कमल को, दो गुलाब को, तीन चमेली को, चार सूरजमुखी को। सही जवाब है ऑप्शन दो गुलाब को। सवाल नंबर सात है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है एक बेंगलुरु, दो गुरुग्राम, तीन चेन्नई, चार नई दिल्ली। सही जवाब है ऑप्शन दो गुरुग्राम। सवाल नंबर आठ है, हवा की गति किससे मापी जाती है? आपका ऑप्शन है एक एनेमोमीटर, दो टैकोमीटर, तीन बैरोमीटर, चार भूकंप मान। सही जवाब है ऑप्शन एक एनेमोमीटर। सवाल नंबर नौ है, किस पेड़ के नीचे सोने से आदमी मर जाता है? आपका ऑप्शन है एक नीम, दो पीपल, तीन बरगद, चार जामुन। सही जवाब है ऑप्शन एक नीम। ये सुनकर अजीब तो लगेगा लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सच ही है। वैसे तो ये पेड़ एक आयुर्वेद वृक्ष माना जाता है लेकिन अगर रात में इस पेड़ के नीचे आप भी सो गए तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। दरअसल ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि रात के समय नीम का पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है जो इंसान के लिए बहुत ही हानिकारक गैस मानी जाती है। इसलिए लगातार कार्बन डाइऑक्साइड हवाओं में घुलने से आपका दम
घुट सकता है और आखिर में ये आपकी मौत का कारण भी बन सकती है। इसलिए अगर आप नीम के पेड़ के नीचे सोते हैं तो छोड़ दीजिए। वैसे नीम के पेड़ में बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। सवाल नंबर 10 है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 1 19 अगस्त, 2 29 अगस्त, 3 19 मार्च, 4 29 मार्च। सही जवाब है ऑप्शन 2 29 अगस्त। 29 अगस्त को मनाने का कारण यह है कि इस दिन भारत के दिग्गज हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद कुशवाहा का जन्म हुआ था। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के रूप में इसे आयोजित किया जाता है। सवाल नंबर 11 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आपका ऑप्शन है 1 जाकिर हुसैन, 2 गोपाल स्वरूप पाठक, 3 शंकर दयाल शर्मा, 4 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सही जवाब है ऑप्शन 4 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सवाल नंबर 12 है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? आपका ऑप्शन है 1 केरल, 2 गुजरात, 3 राजस्थान, 4 उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन 1 केरल। सवाल नंबर 13 है, तवा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है 1 ग्रिडल, 2 सीव, 3 कुबेर, 4 फनल। सही जवाब है ऑप्शन 1 ग्रिडल। सवाल नंबर 14 है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? आपका ऑप्शन है 1 मोर, 2 बाज, 3 शुतुरमुर्ग, 4 फाल्कन। सही जवाब है ऑप्शन 3 शुतुरमुर्ग। सवाल नंबर 15 है, किस जानवर के दूध से बना पनीर सबसे महंगा होता है? आपका ऑप्शन है 1 शेरनी, 2 मादा हाथी, 3 बकरी, 4 गधी। सही जवाब है ऑप्शन 4 गधी। आज हम आपको उस महंगे पनीर के बारे में बताते हैं जिसे पिनुल चीज के नाम से जाना जाता है। पिनुल चीज के 1 किलोग्राम की कीमत एक आम आदमी के 2 से 3 महीने की सैलरी से भी अधिक है। इस पनीर को गधी के दूध से बनाया जाता है। हालांकि ये सामान्य गधी नहीं बल्कि सर्बिया में पाई जाने वाली खास प्रजाति की गधी बालकन के दूध से इस पनीर को बनाया जाता है। इस खास किस्म के पनीर पिनुल चीज का उत्पादन हर देश में नहीं किया जाता है। इसका उत्पादन केवल सर्बिया के जसाविका स्पेशल नेचर रिजर्व में किया जाता है। इसे बनाने के लिए करीब 60% बालकन गधी का दूध और 40% बकरी का दूध इस्तेमाल किया जाता है और फिर इसे प्रोसेस करके तैयार किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 किलोग्राम पिनुल चीज बनाने के लिए बालकन गधी के करीब 25 लीटर ताजे दूध की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर इन्हें संरक्षित किया जाए तो गधी के दूध को 25 से 30 हजार रुपए प्रति लीटर की कीमत में बेचा जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल सौंदर्य प्रसादनों को बनाने में भी होता है, इसलिए इस पनीर की कीमत इतनी ज्यादा होती है। कहा जाता है कि इसमें माँ के दूध जैसे गुण होते हैं, साथ ही अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत उपयोगी है। सवाल नंबर 16 है, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? आपका ऑप्शन है 1 चीता, 2 शेर, 3 हिरण, 4 बाघ। सही जवाब कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जहां जाने के लिए लोग मरते हैं, इसका सही उत्तर जाएगा शमशान घाट। अगला क्वेश्चन, ऐसा क्या है जो इंसान अपनी बीवी, बहन, बेटी, भाई का देख सकता है लेकिन अपनी माँ का नहीं देख सकता? इसका सही उत्तर हो जाएगा शादी विवाह। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग पहेली है, ऐसा क्या है जिसे जितना फाड़ो उतना ही तेज आवाज करता है? दोस्तों, इस चैनल पर हर दिन एक न्यू वीडियो आता रहता है,
इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसका सही उत्तर हो जाएगा गला। गला जितना ज्यादा फाड़ोगे उतना ही तेज आवाज आएगा। अगला क्वेश्चन, बहुत मजेदार पहेली है। वो कौन सी चीज है जो दुनिया में हर किसी के पास होती है? दिमाग लगाए। इसका सही उत्तर हो जाएगा नाम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही कठिन पहेली है। एक नारी का मैला रंग लगी रहे पिया के संग, उजियारे में संग निभाती, अंधेरे में गायब हो जाती, बताओ क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा परछाई। दोस्तों मैं बता दूं, कुछ पहेलियों का जवाब एक से भी ज्यादा होते हैं, लेकिन उसका उत्तर सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल फनी पहेली है। वह कौन सी चीज है जिसे तोड़ने पर आपको पैसा और इज्जत दोनों मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रिकॉर्ड। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यह दिमागी पहेली है, इसमें दिमाग लगाएं। सूखी सड़ी पड़ी लकड़ी में वर्षा जल में उग जाए, उसको क्या कहते हैं भाई जो अपने सिर छत लगाए? दिमाग लगाएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा मशरूम। हाँ दोस्तों, मशरूम। आपका आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन एकदम आसान पहेली आ गई। ऐसी कौन सी चीज है जिसे मुंह में डालो तो हरी और बाहर निकालो तो लाल हो जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पान। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार पहेली है। वह कौन सा जानवर है जो अपना सारा काम अपने हाथ से नहीं बल्कि अपने नाक से करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हाथी। हाथी अपना सारा काम अपने हाथ से नहीं बल्कि अपने नाक से करती है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यह अभी पहली थोड़ा कठिन है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे अगर आप फेंक देते हैं तो वह टूट जाती है, लेकिन अगर आप उसे स्माइल देते हैं तो बदले में वो भी आपको स्माइल देती है? दिमाग लगाएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा शीशा यानी दर्पण। अगला क्वेश्चन एकदम फनी पहेली है दोस्तों। प्रथम कटे तो गाली है, उसकी माँ भी काली है, फिर भी भारतवासी है, अपना प्यारा साथी है, बताओ क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाली। हाँ दोस्तों, बंगाली। अगला क्वेश्चन आपके लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ध्यान दें, बहुत ही इंटरेस्टिंग पहेली है। जब वह लंबा होता है तो जवान दिखता है, और जब वह छोटा होता है तो बूढ़ा दिखता है, बताओ क्या? दोस्तों दिमाग लगाएं और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। तो उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय